हाय, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एरोमेटिक यौगिकों का अंतर परिवर्तन का पार्ट थ्री। मैंने पार्ट वन और पार्ट टू वीडियोस पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इस पार्ट में हम कुछ और एरोमेटिक यौगिकों के अंतर परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि किस तरह से हम एक प्रकार के एरोमेटिक यौगिक से दूसरे प्रकार का एरोमेटिक यौगिक बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 या और भी अगर कोई आपका बोर्ड है तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहला जो अंतर परिवर्तन है हमारा, वो है एनिलीन से आयोडो बेंजीन किस प्रकार हम बनाएंगे। तो एनिलीन से आयोडो बेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एनिलीन का डाई एजोटीकरण कराना पड़ेगा। जब हम एनिलीन का यानी कि एरोमेटिक एमीन का डाई एजोटीकरण कराते हैं तो हम अभिकर्मक लेते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस अभिक्रिया का तापमान काफ़ी कम होता है, केवल 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडे तापमान पर हम यह अभिक्रिया कराते हैं। इस अभिकर्मक के द्वारा जो हमारा NH2 ग्रुप है वो डाई एजोनियम ग्रुप में बदल जाता है और हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एनिलीन का डाई एजोटीकरण कराया तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिला। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि Cl आयन है वो पोटेशियम पॉजिटिव आयन के साथ चला जाएगा, KCl बन जाएगा, N2 गैस की फॉर्म में चला जाएगा और I जो है हमारा आयोडो ग्रुप है वह बेंजीन में जुड़ जाएगा, जिससे कि हमें आयोडो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो चरणों की अभिक्रिया थी। पहले हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, फिर हमने उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म कर दिया तो हमें आयोडो बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। अब हम अपने अगले अंतर परिवर्तन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अंतर परिवर्तन है, बहुत ही पूछा जाने वाला अंतर परिवर्तन है कि किस प्रकार हम फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे। तो ये बहुत ही साधारण अंतर परिवर्तन है कि जब फिनॉल को हम जिंक डस्ट के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जब फिनॉल को हम जिंक डस्ट यानी जिंक पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब हम अपने अगले अंतर परिवर्तन की बात करते हैं कि फिनॉल से टोलुइन हम किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले फिनॉल से हमने बेंजीन बनाई, जिंक डस्ट यानी कि जिंक पाउडर के साथ गर्म किया अगर हमने फिनॉल को तो हमें बेंजीन प्राप्त हुई। फिर हम बेंजीन से टोलुइन बना सकते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है जब हम बेंजीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में जब हम मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा जो मेथिल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में लग जाता है और हमें टोलुइन प्राप्त हो जाती है। अब हम अपने अगले अंतर परिवर्तन की तरफ चलते हैं। अगला अंतर परिवर्तन है किस प्रकार हम फिनॉल से एनिलीन बनाएंगे, जो कि 32 नंबर का है। तो फिनॉल से एनिलीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने फिनॉल को परिवर्तित किया बेंजीन में। इसके लिए अभिकर्मक हमें पता है, जिंक पाउडर के साथ जब फिनॉल को हमने गर्म किया तो हमें बेंजीन मिला। फिर हमने बेंजीन का नाइट्रीकरण कराया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें नाइट्रीकरण होगा बेंजीन का, जिससे इसमें एक नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और हमें नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगी। और अगर हम नाइट्रो बेंजीन का अपचयन कराते हैं या नाइट्रो कंपाउंड्स का, जब हम नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कराते हैं किसी भी अपचायक की, किसी भी ऐसे अभिकर्मक की उपस्थिति में जो कि अपचायक की भांति कार्य करता है, नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, जैसे कि टिन और HCl का मिश्रण, तो वहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अपचयित होकर NH2 ग्रुप में बदल जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का अपचयन कराया गया है SN और HCl के साथ, तो यहाँ पर अपचयन होगा तो हमें नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन
प्राप्त हो जाती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं पूरा परिवर्तन चार स्टेप में है, फिनॉल से बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, और फिर नाइट्रोबेंजीन से हम अपचयन द्वारा एनिलीन बना सकते हैं। अब हम अपने अगले अंतर परिवर्तन की बात करते हैं कि फिनॉल से बेंजोइक अम्ल किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले फिनॉल से हमें बेंजीन बनाना है, वही वाला अभिकर्मक जिंक पाउडर के साथ गर्म किया, तो फिनॉल से हमें बेंजीन प्राप्त हुई। फिर बेंजीन का हमने फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराई CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमें टॉलुइन मिला जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और हमें पता है जब हम बेंजीन रिंग में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, और उसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की उपस्थिति में, जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय केमेनोफोर, तब जो एल्किल ग्रुप होता है वो एसिड ग्रुप में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉलुइन से हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये अभिकर्मक आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कौन से अभिकर्मक से किस प्रकार ग्रुपों में, किस प्रकार क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन आता है। तो ये देख सकते हैं आप कि फिनॉल से बेंजोइक अम्ल चार स्टेप में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने अगले परिवर्तन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला परिवर्तन है 34 नंबर का, वो है कि फिनॉल से हम सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले हमने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। फिर हमने उसकी अभिक्रिया कराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 127 डिग्री सेल्सियस तापमान और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर, जो कि कोलबे-श्मिट रिएक्शन है, कोलबे-श्मिट अभिक्रिया है, जिससे हमें सोडियम सैलिसिलेट मिलता है। और इस यौगिक सोडियम सैलिसिलेट का अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। सैलिसिलिक अम्ल कुछ और नहीं बल्कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल ही होता है। तो यहाँ पर आप फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इन अंतर परिवर्तनों की आप लगातार प्रैक्टिस करके ही अच्छे से आप अभिकर्मकों को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो सैलिसिलिक एसिड लिया, उसकी अभिक्रिया हमने कराई NaOH और CaO यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो हमें यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड मिला। और सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करा दें किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो वहाँ पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल अंतर परिवर्तन है एरोमेटिक, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। अब 36, फिनॉल से एस्प्रिन कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल की अभिक्रिया कराई NaOH के साथ, तो हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हमने कोलबे-श्मिट रिएक्शन से अभिक्रिया कराई CO2 से, तो हमें मिल गया सोडियम सैलिसिलेट। और सोडियम सैलिसिलेट की अगर हम रिएक्शन करा दें जल के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में, जो कि H पॉजिटिव से दिखाया गया है, तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। और सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें पता है कि 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक